सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्नोलॉजी आइडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी आइडिया में। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ नोमार्क क्रीम का रिव्यू। इसमें मैं बताऊंगा इस क्रीम को आप किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लगाने की क्या विधि है, इस क्रीम को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी का क्या नाम है, क्या प्राइस है और इसकी वजन क्या है। तो इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्रीम है वो है बजाज नोमार्क्स का क्रीम। ये एक फुली आयुर्वेदिक एंटी मास्क क्रीम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्रीम जो है फॉर नॉर्मल स्किन, ये एक नॉर्मल स्किन के लिए है और ये एक ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम है। अगर आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी दाग है तो आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो मिलाया मिक्स किया गया, इसमें जो न्यू नया आया है तो विट टर्मरिक लेमन एंड विट गर्म ऑयल, इसे मिक्स करके इस क्रीम को भी बनाया गया है। और साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस जो आप देख सकते हैं 130 रुपए इसकी MRP है। इसकी जो वजन की बात करें तो 25 ग्राम इस क्रीम का वजन है। इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम पहले मैं बता देता हूँ, इंडो हर्बल्स प्रोडक्ट इसे मैन्युफैक्चर करती है। इस क्रीम को जो मार्केटिंग करती है ये है बजाज क्रॉप, जो कि आपको क्रीम के ऊपर वाले भाग में ही आपको दिख सकता है, ऊपर डब्बे पर ही दिख जाएगा बजाज का नोमार्क्स। चलिए इसके अंदर में क्या निकलता है इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं इस डब्बे को खोल लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ ये क्रीम कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग की गई है। और मैं यहाँ पे इसकी जो देख सकते हैं इसमें इस तरह का जो है कोई सी नहीं लगा होता है, कुछ इस तरह का ये क्रीम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो चलिए हम कंपोजिशन पे चले जाते हैं, इस क्रीम में क्या क्या कंपोजिशन मिलाए गए हैं, क्या मिलाकर इस क्रीम को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन जो है कितना परसेंट का कंपोजिशन मिलाया गया है, इन चीज़ों को मिलाकर ये क्रीम को बनाया गया है। तो ये एक फेयरनेस क्रीम है, ये आपके चेहरे के लिए फायदेमंद होगा। तो आप अब हम बात करते हैं इसे लगाना कैसे। तो इसे लगाने के लिए आप जो है रात का समय इस्तेमाल करें। अगर आप रात में सोने जा रहे हैं तो फेस वॉश से चेहरे को धोकर इस क्रीम को लगा सकते हैं। इसे सिर्फ एक टाइम ही लगाएं, सिर्फ रात में। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वाले वीडियोस लाते रहूंगा और आपको नए नए अपडेट्स देते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वंदे मातरम।